ये है पोल स्टार 2, ये एक स्वीडन की कंपनी है और इसमें स्टीयरिंग व्हील काफ़ी सारे सेंसिटिव बटन से देखे, मैं वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकता हूँ यहाँ से। अच्छा, लेफ्ट साइड पर जो बटन्स हैं वो इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल के कंट्रोल्स के लिए हैं। तो इंस्ट्रूमेंट पैनल इसका फुली डिजिटल है, ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं उसमें एक मैसेज आ रहा है कि कार इज़ एक्टिव, और पीछे आपके पास नेविगेशन भी आ रहा है। तो ठीक है, कार इज़ एक्टिव है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। चले बाकी इंटीरियर करीब से देखते हैं। तो इसमें आपके पास एक बहुत ही बड़ी सी एलसीडी स्क्रीन भी है, इसमें तरह तरह के ऑप्शंस हैं, जैसे स्टीयरिंग व्हील की फील है वो आप चेंज कर सकते हैं कि लाइट करनी है, स्टैंडर्ड करनी है, फर्म करनी है, ट्रैक्शन कंट्रोल है और लेन चेंजिंग असिस्टेंट है। पर क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, तो ये एंड्रॉयड बेस्ड सिस्टम है, इसके अंदर आप एप्स भी हैं, इसके अंदर जो है वो विजेट्स भी हैं। और एंड्रॉयड होने का ये फ़ायदा है कि इसके अंदर जो है वो फीचर्स बहुत हैं, और प्लस ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। चले देखते हैं क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं इसके अंदर, तो खैर इसके अंदर घुसूंगा तो पूरा दिन लग जाएगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्रीप ऑप्शन भी है, चलो उसको ऑफ़ कर लेते हैं, क्रीप करना मुझे नहीं पसंद। स्टीयरिंग व्हील के भी डिफरेंस का तो हो गया था। अच्छा हाँ, ये है 360 डिग्री कैमरा व्यू, तो इसमें आप ब्रावो वाली गाड़ी भी देख सकते हैं, और क्योंकि ये बर्ड्स आई व्यू दे रहा है तो ज़ाहिर है ये इमेज बहुत क्लियर नहीं है आपको जो है वो लोग नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये गाड़ी डिस्प्ले हो रही है एक कैफेटेरिया में, और वो गाड़ियों का कैफेटेरिया है, तो इसके अंदर इवेंट्स भी होते रहे हैं, गाड़ियाँ डिस्प्ले भी होती हैं, और इसी तरह की नए नए जो प्रोडक्ट्स लॉन्च होती हैं वो भी आती हैं। अच्छा, इसमें जो मटेरियल्स हैं बहुत ही सिंपल है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा लग्जरियस मटेरियल्स नहीं रखे हैं ताकि गाड़ी की कीमत भी कम रहे और अफोर्डेबल रहे। तो इसमें इंटीरियर आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे ये वॉल्यूम की नॉब दी हुई है बिल्कुल सिंपल सी, तो इससे आप वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें नेविगेशन की भी वो वॉल्यूम अलग है, वॉइस कमांड्स की भी वॉल्यूम अलग है। तो ये एंड्रॉयड का फ़ायदा होता है कि आप उसमें कस्टमाइजेशन बहुत सारी कर सकते हैं। और ये देखें इसका डिज़ाइन कैसा ज़बरदस्त दिया है उन्होंने गियर स्टिक पे, उसमें पोस्टर का लोगो भी है, और ऑफ कोर्स पार्किंग का भी बटन है, कप होल्डर है, आर्म रेस्ट है। तो ओवरऑल इंटीरियर तो अच्छी क्वालिटी का है, हर चीज़ अच्छी क्वालिटी की है, मगर बिल्कुल परफेक्ट रखी है उन्होंने। बहुत ज़्यादा लग्जरियस नहीं रखी, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं रखी, बिल्कुल उन्होंने जो है एक प्राइस कॉन्शियस मगर एक प्रीमियम प्रोडक्ट फील हो रहा है आपको। इसमें आपके पास फुल सनरूफ भी है, लाइट है, अगर आपको एक लाइट खोलनी है आप एक लाइट खोल लें, वरना अगर आपको ज़्यादा लाइट चाहिए बीच वाला बटन दबाएं फुल लाइट्स ऑन हो जाएंगी। आप ये छोटी लाइट्स की भी जो है वो ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें से बहुत फ़र्क पड़ता है। अब दरवाजे के अंदर आप देखेंगे वैसे तो बहुत सिंपल लग रहा है, आपको लगेगा कि हाँ बहुत सिंपल है, थोड़ा सा और अच्छा होता, मगर एक और फीचर है कि सारे जो लाइट के अंदर बटन्स हैं उन सब में लाइट्स हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ों से जो ना बहुत फ़र्क पड़ता है। नॉर्मल गाड़ियों में ये बटन दे देते हैं, उसमें कभी का कोई कुछ चीज़ प्रिंट भी नहीं करते सही तरह से, या उसके अंदर लाइट भी नहीं देते। तो इंटीरियर तो अच्छा है, मुझे अच्छा लगा गाड़ी का। चलो एक्सटीरियर देखते हैं। एक्सटीरियर वाइज गाड़ी ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पोर्टी भी नहीं है, बिल्कुल एक नॉर्मल फैमिली कार की तरह है। और इसमें जो स्पेसिफिकेशन है इसके इलेक्ट्रिक सिस्टम के, वो दरवाजे पे ही लिखे होते हैं। तो ये इसकी लुक्स हैं, ये एक फोर डोर सलून है और ये एक कॉम्पैक्ट सलून है। ये आती है तकरीबन क्रोला के साइज़ की, तो ये थोड़ी छोटी गाड़ी है। इसमें डिफरेंट रेंजेस हैं, डिफरेंट मॉडल्स हैं, बेसिकली शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज, और इसमें डिफरेंट मोटर्स हैं, सिंगल मोटर या डुअल मोटर, आप देख सकते हैं उसकी पावर और सब चीज़ें डिफरेंट हैं। एक्सेलेरेशन टाइम्स भी जो है वो ऑफकोर्स डुअल मोटर की 4.7 सेकेंड्स, यानी ये गाड़ी खड़े खड़े 100 किलोमीटर 4.7 सेकेंड्स में जाएगी। अगर आप सिंगल मोटर वाला लेंगे तो वो 7.4 सेकेंड्स में जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर जाएगी। ठीक है, बुरी गाड़ी नहीं है, बस थोड़ी कॉम्पैक्ट सी है। और एक चीज़ मुझे पसंद आई कि इन्होंने डिज़ाइन पे काफ़ी फोकस किया है इसके, और बहुत ही सिंपल सिंपल बनाई है मगर खूबसूरत बनाई है। टेस्ला का ये कि वो जो गाड़ियाँ बनाते हैं वो कुछ ज़्यादा ही सिंपल बनाने लगे हैं, और हर चीज़ मिनिमलिस्टिक करने लगे हैं, तो वो बिल्कुल एक आईफोन जैसी फील हो जाती है कि उसमें कोई खूबसूरती नहीं है, उसके अंदर कोई सोल नहीं है। इसके अंदर फिर भी कम से कम थोड़ा सा डिज़ाइन पे फोकस किया है, थोड़ी सी चीज़ों पे ध्यान दिया हुआ है, ये चीज़ अच्छी है। अच्छा, साइज़ वाइज़ आप पीछे देखें तो पीछे की सीट्स में भी लेग स्पेस कम है, जैसे कोरोला में होती है, वो छोटी गाड़ी है तो उसमें जगह बहुत ही कम होती है, ये एक इशू है। ये गाड़ी तकरीबन सेम साइज़ और प्राइस रेंज है इसकी जितनी की टेस्ला मॉडल 3 की है, जो कि मॉडल एस से थोड़ी छोटी है। दोनों ये और टेस्ला की मॉडल 3 तकरीबन 1,60,000 से स्टार्ट होते हैं और तकरीबन 2,50,000 तक की मैक्सिमम रेंज है इनकी। एक चीज़ और मुझे इस गाड़ी की बहुत पसंद है कि इसकी जो हेडलाइट्स हैं वो उन्होंने बहुत ही स्टाइलिश बनाई हैं। ये देखें, आपने टी शेप दिया हुआ है, ऊपर एक्स्ट्रा बल्ब्स हैं, नीचे भी लाइट है, और कोई सा भी आप मॉडल लेंगे तो वो एक्सटीरियर वाइज बिल्कुल सेम है। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और कमेंट्स में मुझे बताएगा कि आपको ये गाड़ी कैसे लगी, और क्या आप ये लेंगे या टेस्ला मॉडल 3।